नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपना इंडिया रेलवे के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आमान परिवर्तन के बाद पहली बार रेल सेवा जो है 15 जनवरी से जो है शुरू होने जा रही है डूंगरपुर से। यह जो रेल सफ़र रहेगा दोस्तों 4 घंटे 20 मिनट में असरवा तक जो है रेल पहुँचेगी और 4 घंटे 20 मिनट में पूरा सफ़र जो है तय होने वाला है। इस डेमो ट्रेन को कालीपुर तक करने की मांग की जा रही है, साथ में 10 बोगी और 2 इंजनों के साथ यह डेमो ट्रेन चलने वाली है। दोस्तों, हम आपको इसको टिकट फेयर भी बताने वाले हैं, डूंगरपुर सरवा वाया हिम्मतनगर डेमू ट्रेन की पूरी अपडेट बताने वाले इस वीडियो के माध्यम से। चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अहमदाबाद उदयपुर अमान परिवर्तन के पहली बार यहां पर जो है अमान परिवर्तन के बाद 4 घंटे 20 मिनट में डूंगरपुर से असरवा तक जो डेमू ट्रेन चलने वाली है वो सफ़र जो है तय करने वाली है। इस ट्रेन को लेकर काफ़ी लंबे समय से यहाँ की यात्रियों की मांग थी, साथ में दोस्तों यहाँ का जो CRS भी वगैरह भी हो चुका है और CRS होने के बाद यहाँ पर पिछले दिनों ही दोस्तों मालगाड़ियों का लगातार आगमन में हुआ, जिससे यहाँ के जो डिपार्टमेंट है दोस्तों उसको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला है, करोड़ों रुपए का जो है व्यापार हुआ है। इसको देखते हुए यहाँ पर डूंगरपुर तक डेमो ट्रेन चलाने का जो फैसला है रेलवे ने ले लिया है। यहाँ के लिए टाइम टेबल रिलीज कर दिया गया है दोस्तों, 15 तारीख उसका उद्घाटन होगा और 17 तारीख से यह रेगुलर जो है चलने वाली है। डूंगरपुर अमान परिवर्तन के बाद डूंगरपुर से अहमदाबाद तक पहली यात्री रेल सेवा का शुभारंभ 15 जनवरी को डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से होने वाला है। उक्त रेलगाड़ी दोपहर 2:20 डूंगरपुर से रवाना होकर शाम 7 बजे असरवा स्टेशन पर पहुंच जाएगी। रेलवे ने ट्रेन का मिनट टू मिनट का टाइम टेबल भी जारी कर दिया है दोस्तों, आप यहां पर इसका टाइम टेबल भी दोस्तों देख सकते हैं, डूंगरपुर तक का पूरा टाइम टेबल इसमें बताया गया है। दोस्तों, यह जो रेल सेवा रहने वाली है, यह रेल सेवा उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क निरीक्षक ने बताया है कि जारी शेड्यूल के मुताबिक रेल सेवा का शुभारंभ 15 जनवरी को किया जाएगा। इसके बाद नियमित रेल सेवा का संचालन 17 जनवरी को सप्ताह में 6 दिन किया जाएगा। फिलहाल रविवार को दिन यह सेवा जो है उपलब्ध नहीं रहेगी। डूंगरपुर असरवा उद्घाटन स्पेशल रेल सेवा को डूंगरपुर से 2:20 रवाना होकर 7 बजे असरवा स्टेशन पहुंचेगी। असरवा से 17 जनवरी को सुबह 10 बजे रवाना होकर 2:30 डूंगरपुर पहुँच जाएगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09544 डूंगरपुर असरवा डेमो स्पेशल रेल सेवा 17 जनवरी से सप्ताह में 6 दिन रविवार को छोड़कर दोस्तों डूंगरपुर से 14:50 रवाना होकर 19:15 असरवा पहुंचेगी। यह जो रेल सेवा है मार्ग में साहिजपुर, सरदारग्राम, नरोड़ा, मेदरा, दाबोदर, नंदोला, देग्राम, जलीमत, रखियाल, खेरोल, तलोत, खारी, हापा रोड, हिम्मतनगर, वीरावाड़ा, रायगढ़, सुनाक, श्यामलजी रोड, लुसड़िया, जगाबोर, बिचीवाड़ा, श्री भावनाथ और उसके बाद यह ट्रेन जो है डूंगरपुर में जाकर अपना स्टॉपेज लेने वाले। दोस्तों, रेलवे की अपील है कि रेलवे ट्रैक को पार नहीं करने की उन्होंने अपील भी की है। समय और गंतव्य में बदलाव की जो है दरकार भी है, वहां की जनता दोस्तों ऐसा चाहती है, क्योंकि रेलवे की ओर से जारी शेड्यूल में डूंगरपुर से ट्रेन की रवानगी दोपहर 2:50 तय की गई है। यह समय किसी भी दृष्टि से अनुकूल नहीं है। डूंगरपुर से प्रतिदिन हजारों लोग सुबह से अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाते हैं, दिन भर के काम निपटाकर शाम को वापस डूंगरपुर रवाना हो जाते हैं। डूंगरपुर के असरवा तक शुरू की जा रही ट्रेन का समय दोपहर में रखने का कोई खास लाभ डूंगरपुर वासियों को नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा रेलगाड़ी असरवा तक ही जाएगी, वहां से कालूपुर स्टेशन 3 किलोमीटर दूर है। ऐसे में स्थानीय व्यापारियों और आमजन ने उक्त रेलगाड़ी का समय सुबह का करने का और कालूपुर स्टेशन तक चलाने की मांग की है। साथ ही जनप्रतिनिधियों से इस संबंध में हस्तक्षेप कर समय में बदलाव, रेलगाड़ी का विस्तार कालूपुर तक कराने का आग्रह भी किया गया है। और साथ में दोस्तों, यह जो ट्रेन है 15 जनवरी को दोपहर 2:20 इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसका गाड़ी नंबर रहेगा 09544 नंबर पर चलने वाली है। इसमें 10 बोगी और 2 इंजनों के साथ यह रेलगाड़ी चलने वाली है। इसका अगर किराए की बात कर जाए तो लगभग 80 रुपये के आसपास में असरवा से लेकर डूंगरपुर के बीच में इसका जो है किराया लिया जाएगा। PSPC का जो है इसका कैटेगरी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल अपना इंडिया रेलवे को फ्रेंड सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलेगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।